और आज है 4 अगस्त, मेरी मम्मी का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आई। और आप लोग को अगर विश करना है तो कमेंट करके आप विश कर सकते हो, शी विल डेफिनेटली रीड, तो उसको भी अच्छा लगेगा। अरे अपनी काजू की नहीं तलवार, ये तलवार काजू सेठ ने ही बनाई है। किधर गए, किधर गए? अच्छा, यहाँ छुप के बैठा है। ये देखो, ये अपना टीपॉय है और ये जो बीच में की डांडी है, इसको धार मार मार के ये देखो इसने 6 महीने में ख़त्म कर दिया। अभी नेक्स्ट बारी आ रही है, अभी यहाँ पे उसने थोड़ा काम किया हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा ट्राई किया है, तो जहाँ पे उसको सॉफ्ट स्पॉट मिलेगा वहाँ पे वो चबाना शुरू करेगा, उसको घिस घिस के ऐसा कम करेगा और आखिरी में तोड़ देगा। कह रहे हैं कारपेंटर बनने का तेरे को, हैं? ये अगली बार नहीं करने का, समझा नहीं? ये तेरे को पता है ये सागवान है, ये सागवान का टिपो है, बड़े प्यार से पप्पा ने बनवा के भेजा है। और तू वैसे जब से फायर स्टिक आया है तब से हम लोग सिर्फ टीवी देख रहे हैं, इसीलिए व्लॉग थोड़ा लेट नहीं आया, एक्चुअली बराबर आया। चल, पिछले व्लॉग में मैंने जो प्रॉमिस किया वो मैं अभी करने बैठा हूँ। अभी आई एम नॉट श्योर मैं ये डिसेंट से कपड़े पहन के ये सब क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तो बाइक की सीट मैंने ऊपर कर ली है। अभी ये पैनल अपने को खोलना पड़ेगा, यहाँ पे नट्स है, फिर ये अंदर वाले नट्स है, ये खोल के फिर ये छोटा स्प्रॉकेट एक्सेस होगा, फिर छोटे स्प्रॉकेट को मैं चेन लगा दूंगा और फिर पीछे से अपन टाइट करेंगे, तो ये भी खोलना पड़ेगा। एक्सेल लंबा काम है, थोड़ा टाइम लगेगा, और बारिश की कृपा अगर ना हो तो बारिश भी नहीं आएगी। चलो करते हैं काम शुरू, सबसे पहले तो ये खोलना पड़ेगा। सो फाइनली हमारा मेन कल्प्रिट ये रहा। देखा, मैंने बोला था ना, ये स्प्रॉकेट जो है इससे चेन छूट गया। अभी पीछे का लगाना ईजी होता है, सामने ये सब निकालना पड़ता है। और भाई ये निकालते निकालते मेरी हालत और हाथ दोनों ख़राब हो गए, इट्स एक्सट्रीमली डर्टी। और ये स्प्रॉकेट देखो, ये इसके टीथ भी अभी थोड़े बेंड हो चुके हैं, इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुका है, एंड इट्स टाइम टू गेट रिड ऑफ दिस। चलो चेन पे चढ़ाता हूँ और फिर पीछे का टाइट करते हैं। ओह माय गॉड, क्या है ये? शिट मैन, इसको तो मुझे लग रहा है निकाल के साफ करवाना पड़ेगा। चलो सामने की लग गई है, अभी पीछे की बस अपने को ज़्यादा कुछ करना है नहीं, बस इसको ऐसा घुमा के हो गया, दैट्स इट। अभी देखो ये चेन का टेंशन इतना ख़राब हो गया कि ये ऐसी ऐसी होती है, मतलब जब भी ऑफ रोड होता है ना तब ऐसी ऐसी होती है और फिर ये स्लिप हो जाती है। इसको मैं हल्का टाइट करूँगा ताकि अपना आज का काम हो जाए और फिर मैं सर्विस सेंटर दे दूँगा। अरे बाप रे, क्या ये? तो आपकी गाड़ी पे आपको ये बेसिक काम आने ही चाहिए, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस है नहीं, कुछ ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा देखना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है, बेसिक चीज़ है, थोड़ा दिमाग लगाया तो हो जाता है। वाह सही है यार, मैंने 10 मिनट में पूरा काम कर लिया, लिटरली 10 मिनट में। अपनी चेन हो चुकी है टाइट, बहुत ज़्यादा नहीं की है लेकिन थोड़ी बहुत की है मैंने। तो काफ़ी सारे लोग पूछते रहते कि बाइक मेंटेनेंस के टिप्स बताओ। सबसे बड़ा टिप ये है कि आपके पास राइट टूल्स होने चाहिए। जैसे कि अभी मेरे पास जो ये कंपनी के टूल्स है इससे मैं ये सब नहीं कर पाता, ये सब मैं कर ही नहीं पाता, इसके लिए मेरी इसकी ज़रूरत है। बिकॉज ये जो नट्स हैं अंदर के, ये बहुत अंदर है और ये अपने नॉर्मल पाने से तो निकलेगी नहीं, इसके लिए ये सेट होना इज़ अ वेरी मस्ट। स्टैनली का ये सेट है, ये देखो 46 पीसेस वाला। अगर आप बाइक चलाते हो, स्पेशली लॉन्ग रन डिस्टेंस राइड करते हो, तो ये होना अनिवार्य है। ये आप जाके पहली पहली फुर्सत में खरीद लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम चलेगा। मैं इसका लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस, एलन की का एक सेट होना बहुत ज़रूरी है, तो ये टपारिया का ये एक अच्छा सेट है, मैं 2 साल से इसका यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, इसके भी लिंक दे दूंगा। और ये तो वॉश होना ज़रूरी है, तो इसकी भी दे दूंगा, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेक कर सकते हैं। हाथ कितने गंदे हो गए यार, ये देखो ये। तो अभी ये पैनल जो है ये इस पर लगा दूंगा एंड देन गाड़ी को आज फाइनली स्पा कराएंगे, गाड़ी का स्पा। बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ और मैं निकल रहा था ऑलमोस्ट, और फिर याद है कि मैंने एक्सेल तो टाइट ही नहीं किया है। क्या भाई, इसको टाइट करना बाकी है मेरी जान। एक्चुअली आदत नहीं है ना ये सब करने की, बार बार करेंगे तो आदत हो जाएगी। टाइट करता हूँ, चलो। बारिश का डर था लेकिन आई नहीं, बट जाते टाइम नहीं आनी चाहिए, अभी आते टाइम आ जाती तो चल जाता है, जाते टाइम नहीं आने चाहिए। एनीवेज, वी आर एट द वॉशिंग हब। प्रसाद भाई अपने गाड़ी धो रहे हैं और जो डर डर के मैंने अभी गाड़ी चलाई है, क्योंकि पीछे की चेन खिसक गई तो मेरी खिसक जाएगी, इसलिए स्लोली 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 करके पहुँचे। तो गाड़ी धोते धोते एक चीज़ पता चली कि ये देखो, यहाँ का नट गायब हो गया। एक्चुअली दिस इज़ वेरी कॉमन,
जो वाइब्रेशन होते हैं गाड़ी एकदम हाई स्पीड में चलते तो नट्स निकल जाते हैं, लेकिन बच गए बॉस। क्योंकि यही नट पे, ये स्क्रू पे अपना पैनर का राइट साइड का पैनर डिपेंडेंट है, अपना जो एग्जॉस्ट है वो है, और फुट पेग। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों का मुझे ध्यान देना पड़ेगा जब भी सर्विस पे जाएंगे, पूरी इन एंड आउट गाड़ी चेक करनी पड़ेगी, तभी जाके अपन राइड पे जा सकते हैं। क्योंकि वाट लगी है गाड़ी की, 6000 किलोमीटर में जो वाट लगी है ना, उससे ऐसी छोटी छोटी चीज़ें अभी पता चल रही है। तो गाड़ी पे पूरा अभी डीजल लगाया प्रसाद ने और पूरा अभी प्रेशर वॉश हो रहा है। तो ये देखो पीछे का रिम अब जाके कहाँ, ये सिल्वर दिख रहा है, नहीं तो पूरा येल्लो हो गया था, गंदा गंदा, ये ऐसा कलर हो गया था। अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, और ये जो स्क्रू है वो भी हम लोग लगा रहे थे। थैंक यू सो मच अनिकेत। बाय द वे, वॉशिंग हब का नाम चेंज हो गया। हाँ, अभी नाम है द डिटेलिंग हब। आप इंस्टा पे सर्च कर सकते हो the_dethub। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। थाने के आसपास रहते हो तो आप सर्टनली यहाँ पे आ सकते हो, काफी अच्छा अपना दोस्ती है। और यहाँ पे थोड़ा अभी सेटअप करने का भी डिटेलिंग शुरू किया है। बाइक का, कार का सेल्फ फिलिंग PPF, देन सिरेमिक कोटिंग, पेंटिंग, एंटी रस्ट कोटिंग, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अगर आप कॉल करोगे तो आपको मैं पूरा गाइड कर सकूंगा कॉल पे आपकी गाड़ी के हिसाब से क्या क्या बेस्ट है। तो डू कॉल हिम, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है। मैं भी सोच रहा हूँ गाड़ी का थोड़ा ना कुछ रैप वैप कुछ करूँ अपना गाड़ी, ये भी थोड़ा ये कलर थोड़ा मुझे बोर हो गया है। तेंदुआ वर्जन 2 ऐसा कुछ। हाँ, कुछ देखते हैं, प्लान चल रहा है। अभी अनिकेत से मेरी बात हुई तो कुछ आइडिया निकालेंगे, कुछ डिजाइन बनाएंगे, अगर हो सका तो कर लेंगे। चलो प्रसाद, थैंक यू सो मच, मैं जल्दी भागता हूँ बिकॉज बारिश फिलहाल नहीं है, तो फटाक से भाग के निकल लेता नहीं तो गाड़ी गंदी हो जाएगी। चलेगा। तो जो नहीं होना था वो हो गया है। अभी क्या है यार, मैं जस्ट निकल रहा था, आई एम ऑलमोस्ट रेडी और बारिश शुरू। चलो वैसे गाड़ी इतनी गंदी नहीं होगी, होगी होगी तो बस इधर इधर का होगा। एक्चुअली मेन ऑब्जेक्टिव था अपना अंदर का डर्ट निकालने का, तो वो तो निकल चुका है, तो अभी थोड़ी बहुत गंदे हो गए तो मैं पानी मार लूंगा। अभी क्या कर सकते हैं यार, ये तो रुकने वाला है नहीं। राइड खत्म होके 2 हफ्ते हो चुके हैं और तो सामान मैंने सब निकाल लिया, लेकिन पैनर यहीं पड़ा है। तो यही होता है अगर मैं राइड से आता हूँ और मैं सामान अगर कुछ दिन निकालता नहीं हो तो सामान वैसे के वैसे पड़ा रहेगा। जब मैं बैचलर था, जब मैं अपने दोस्तों के रूम पे रहता था, तो मेरा पैनियर टॉप बॉक्स, तब पैनियर था नहीं, तब अपनी सैडल बैग्स थी, सैडल बैग्स एक एक महीने तक ऐसी पड़ी रहती थी, और बारिश होती थी तो वो जो पसीने वाले कपड़े होते थे ना उस पर फंगस चढ़ जाता था। ओह, आई स्टिल रिमेंबर दोस डेज, वॉशिंग मशीन भी नहीं होती थी तो खुद से ही धोना पड़ता था, नहीं तो फिर मासी के घर पर लेके आओ, कपड़े धुलवाओ मशीन में, वापस लेके जाओ। तो खाली है पैनियर अपना इस बार, लेकिन पैनियर रखना मैं भूल गया, और फिर एक बार मैं भूल गया तो परेशान मत कर यार मेरे को, तो परेशान खाजू तो मेरे को ब्लॉक करने देना भाई, तेरा क्या प्रॉब्लम है यार। तो ये जो पैनियर है इसमें अपना गाड़ी का सामान अभी भी है, और इसको मैं निकाल नहीं रहा बिकॉज ये अपना ऐसे ही भरेगा, तो इसको मैं ऐसे ही रखूंगा। बस जो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रेगुलर यूज में चाहिए, जैसे कि ल्यूब होता है, प्रेशर चेक करने की मशीन, तो ये हो गया। तो ये 2-3 चीज़ें मैं बाहर निकाल लूंगा, बाकी वैसे के वैसे रख दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट राइड में फिर मुझे वापस से भरने का काम नहीं, अपन इसको डायरेक्टली लेके जाएंगे। और राइड शुरू करने के पहले मैं एक चीज़ चेंज करने वाला था, लेकिन आखिरी में मैंने ड्रॉप कर दिया, ये अपना हेलमेट बहुत ही ज़्यादा पुराना हो गया। ये इसको मैंने ख़रीदा था आई थिंक 2018 में, और काफ़ी सारे राइड्स मैंने इसमें किए, इनफैक्ट मेरे लाइफ के सबसे बड़े बड़े राइड्स मैंने हेलमेट के साथ किए। वंडरफुल हेलमेट, मुझे बहुत अच्छा हेलमेट लगा ये, लेकिन बहुत पुराना हो गया है। इसको मैंने नेपाल, केदारनाथ, स्पीति, लद्दाख, फिर बाकी के जैसलमेर, बहुत सारे राइड्स किए। ये देखो कलर देखो, इसका पूरा उड़ चुका है। इसने आई थिंक ईजिली, ये हेलमेट ने ईजिली 70,000 किलोमीटर्स तो किया है, 60-70,000, मतलब ड्यूक पे और इस पर मिला के आई थिंक ज़्यादा। हेलमेट स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना हेलमेट यूज़ करना नहीं चाहिए, हेलमेट का लाइफ 2 साल, 2.5 साल, 3 साल होता है, या फिर इट डिपेंड्स एक्चुअली आप कितना यूज़ करते हैं। इसका मैंने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर लिया, तो इसको मैं जल्द से जल्द चेंज करूँगा। अजीब सा बास भी आ रहा है, एक्चुअली बहुत पुराना हो गया है, तो इसको अपन रख देंगे जब भी आसपास इधर आसपास काम पड़ा। मैंने एक्चुअली ख़रीदा क्यों नहीं, क्योंकि ये जो माउंट सेटअप है ये मुझे फिर वापस से लगाना पड़ेगा, और फिर हेलमेट देखो, फिटिंग देखो, ये वो, उतना टाइम नहीं था, इसीलिए आई ड्रॉप द प्लान। मैंने सोचा कि चलो आने के बाद खरीदेंगे, तो भी जब भी मौका मिलेगा अपन पहली फुर्सत में हेलमेट खरीदेंगे, इस पर सना वना सब लगाएंगे, और सोच रहा हूँ एडवेंचर हेलमेट लूँ, अच्छा लगता है ना। और राइड ख़त्म होने के बाद मैंने बड़े ज़ोरों से बोला था कि मैंने सामान सब निकाल के रख दिया, लेकिन सिर्फ सामान ही मैंने निकाला है। दोनों बैनर्स मैंने आपको दिखाया, टॉप बॉक्स भी यहीं पड़ा हुआ है,
ठकुरन जी के गियर्स भी वहीं पे है, और यार ये कब करूँगा यार। तो कोई भी काम अगर तुरंत नहीं होता तो फिर वो सबसे आखिरी में होता है। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं, अवसर नहीं है, और ऊपर से ऑफिस का काम रहता है और दिन भर ऐसे पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, और फिर एडिटिंग करो, ये शूट करो, तो काफ़ी सारी चीज़ें। लेकिन आने वाले दिनों में काफ़ी कुछ हो सकता है, आई थिंक हो ही जाएगा। बस ये बारिश वारिश का सीन थोड़ा कम हो जाए, ऐसे तो कम होने वाला दिख रहा नहीं है। एटलीस्ट अगस्त सितंबर तक चलेगा, अक्टूबर में थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सोच रहा हूँ अक्टूबर नवंबर में अच्छी खासी राइड कर लूँ, देखते। सो एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, इफ यू आर न्यू डू सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताइए आपके थॉट्स। एंड आज है 4 अगस्त, मेरी मम्मी का बर्थडे, सो हैप्पी बर्थडे आई। इफ यू आर वॉचिंग, आई एम श्योर यू आर वॉचिंग, और आप लोग को अगर विश करना है तो कमेंट करके आप विश कर सकते हो। शी इज नॉट ऑन सोशल मीडिया तो वहाँ पे तो नहीं कर सकते, लेकिन कमेंट्स में आप कर दोगे ना तो शी विल डेफिनेटली रीड, तो उसको भी अच्छा लगेगा। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो। बारिश बढ़ गई है तो मैं अंदर जाता हूँ, कैमरा गीला हो जाएगा। डू फॉलो मैन इंस्टाग्राम बॉन्डर सिंह।